तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में जैसे सपोज करो आपके पास एक पेंडुलम है, ये बॉब है, ये पेंडुलम मैं मूव करवा रहा हूँ टू एंड फ्रो, मैं ऐसे मूव करवा सकता हूँ, ठीक ऐसे मूव करवा रहा हूँ, तो पेंडुलम दो पोजीशंस के बीच में मूव करता है, सबको मालूम है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम और मीन के बीच में मूव करता रहेगा। तो पहला नंबर कॉन्सेप्ट, एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पेंडुलम जाएगा उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर वेलोसिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो यहां पर पास करते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। फिर डिक्रीज 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 करते करते वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही होता है, जीरो मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? दूसरा, कितने लोग ये कहते हैं कि ये जब पेंडुलम मूव करेगा इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या पेंडुलम की मूवमेंट सर्कुलर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? हाँ या ना? सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे? नहीं। अच्छा, कैसे? ये देखो, इसका पाथ देखो, पेंडुलम का देख रहे हो, ये रास्ता देख रहे हो? सोचो, अगर मैं पेंडुलम को पूरा घुमा दूं सर्कल में तो ये सर्कल ऐसा नहीं घूमेगा, तो ये पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो इतने पार्ट में सर्कुलर के कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। क्लियर है यहां तक? बिकॉज ये कुछ हिस्सा है सर्कुलर मोशन का। ठीक हो गया यहां तक? तो ये भी समझ में आ रहा है। तो जब भी पेंडुलम मूव करेगा तो उसकी मोशन को, उसका कुछ हिस्से को आप सर्कुलर के साथ इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इस पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम के अंदर जैसे सपोज ये बॉब है, पेंडुलम की एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। तो जैसे ये मान लो इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके ऊपर नहीं जाएगा वो। अब हो सकता है पेंडुलम अभी रास्ते में हो, मान लो पेंडुलम को यहाँ से मैंने यू वेलोसिटी दी, कुछ तो धक्का मारना पड़ेगा, तो वेलोसिटी कम 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 करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो। पर रास्ते में किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी। हाँ, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी पहले कम है, ज़्यादा है, फिर कम 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 करते करते जीरो। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पर ये मैंने डायग्राम बनाया, तो इस डायग्राम में पेंडुलम ने वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाया हुआ है? थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो थीटा एंगल है इसमें। तो अगर एंगल यहाँ पर थीटा है और वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर वी है, वो अलग बात है कि जैसे ही अगला पॉइंट आएगा एंगल भी चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्लियर है यहाँ तक? एंगल भी चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी और एंगल कितना है इसमें? थीटा। तो ये बताओ, जब ये पेंडुलम मूव करेगा सर्कल में ऐसे, तो इसका सेंटर क्या होगा सर्कल का? ये होगा। जब पेंडुलम सर्कल में मूव करेगा तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा? वो सेंटर होगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो अब इस केस में जो सेंटर लेना है वो आपने ये लेना है, ये भी समझ में आ रहा है। और लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या माना जाएगा? इसका रेडियस। तो इसका सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या माना जाएगा? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये भी क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? अब इमेजिन करो कि ये आपका एक पेंडुलम है, ये सस्पेंडेड है यहाँ पर, ये पेंडुलम है एंड ये इसका एक बॉब है ऐसे। किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल क्या था? थीटा। और इसका सेंटर क्या था? सी। तो अभी ये रास्ते में जा रहा था पर मैंने आपको स्नैपशॉट एंगल थीटा का बताया। और सपोज करो इसकी जो वेलोसिटी थी इस इंस्टेंट पर कितनी थी? वी। एंड अगले इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर हाँ इस इंस्टेंट पर वी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और ये एंगल कितना है? थीटा। तो अगर मैं ये पूछूं क्या ये सर्कल में मूव कर रहा है, आपका आंसर होगा हाँ ये सर्कल में मूव करता है, सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो अगर पेंडुलम सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो पेंडुलम के पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रिपेटल। तो इसका मास अगर एम है तो इसके पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए? सेंट्रिपेटल। तो मैंने ये पूछा कि बताओ सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है और किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू बताओ। तो आपने फिर अपना दिमाग लगाया और फोर्स चैप्टर को रिवाइज किया,
फोर्स के अंदर सिखाया गया था पेंडुलम एक रस्सी है, रस्सी का बना हुआ, रस्सी क्या है टाइट है, रस्सी में क्या है टेंशन। तो पहला रूल क्या है यहां पर, क्या ड्रॉ करना टेंशन, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, टेंशन ड्रॉ करना। अब दूसरा पॉइंट, टेंशन जब इस तरीके से कोई स्ट्रिंग होती है और टेंशन और टेढ़ी होती है एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आप एक काम किया करें, आप लाइन ड्रॉ करके एंगल थीटा थीटा अल्टरनेट, इस टेंशन के दो कॉम्पोनेंट्स ले लिया करें, टी कॉस थीटा और इस तरफ टी साइन थीटा, और ये वेट क्या है एम जी। तो मैंने कहा आगे क्या, तो स्टूडेंट बोलता है हम फोर्स में ये करते थे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा पता नहीं कहता, तो ये तो बात नहीं बनी। तो मैंने पूछा कि कॉम्पोनेंट्स तुमने बना लिए, तो मेरे को कॉम्पोनेंट्स होना चाहिए, मेरे को ये बता कि फोर्स सेंटर की तरफ कितनी लग रही है, सिंपल, क्योंकि मेरे को कौन सी फोर्स ढूंढनी है सेंट्रीपेटल, मैं देखूं तो सही कि इस मास के ऊपर कितनी सेंट्रीपेटल एक्ट कर रही है। तो उसने कहा सर फिर कॉम्पोनेंट टेंशन के मत ड्रॉ करो, मैंने बता तो दिया टेंशन टी यही तो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है बॉब के ऊपर, तो इसका मतलब मुझे टेंशन के कॉम्पोनेंट बनाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरे को फोर्स कहाँ ढूंढनी थी सेंटर की तरफ, और टेंशन खुद टेंशन जो है वो कहाँ एक्ट कर रही है सेंटर की तरफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो टी तो ऑलरेडी सेंटर की तरफ है, तो सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम में, पेंडुलम वाली प्रॉब्लम में आप टेंशन के कॉम्पोनेंट्स मत ड्रॉ करें। तो आप कहेंगे फिर कब ड्रॉ करें, जब इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम थी फोर्स में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और इक्विलिब्रियम लाने के लिए याद करो मैं फोर्स लगाता था यहाँ पे कि मैं खींच के रखा हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो है, उनमें ये कॉन्सेप्ट लगता था। तो सर्कुलर मोशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का नहीं होता, क्योंकि बॉडी इज ऑलवेज इन मोशन, तो इक्विलिब्रियम का मतलब वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे तो है ही नहीं, क्लियर है। आप ऐसे केस में टेंशन के कॉम्पोनेंट्स ना ड्रॉ करें, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन कहाँ कर रही है टूवर्ड्स सेंटर। तो फिर क्या करें, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा फिर ये बता सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, तो बोलता फिर कुछ करने को तो मना ही कर दिया आपने, तो टेंशन ही सेंट्रीपिटल है क्योंकि कहाँ कर रही है टूवर्ड्स सेंटर। मैंने कहा नहीं टेंशन सेंट्रीपिटल नहीं है, उसने कहा क्यों, मैंने कहा क्योंकि देख इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और अगर मैं कोई लाइन इसके पैरेलल लूँ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, तो इसमें ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन थीटा। तो मैंने कहा ये क्या किया, वो कहता देखो वेट के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा इस बॉब को कहाँ लेके आ रहा है नीचे, देखो ना बॉब को यहाँ से छोड़ देते हो बॉब नीचे आता है, तो कौन सी फोर्स बॉब को नीचे लेके आती है एम जी साइन थीटा, बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही हो जैसे इंक्लाइन प्लेन करते हैं, एम जी साइन थीटा सेम ही तो है, क्लियर है यहाँ तक। तो एम जी साइन थीटा फोर्स बॉब को नीचे लेके आएगी, फिर एम जी कॉस थीटा क्या करेगा, एम जी कॉस थीटा टेंशन के ऑपोजिट है। अब न्यूटन का लॉ सोचो, एक फोर्स अब सेंटर की तरफ फोर्स निकालनी है, एक फोर्स इसके ऊपर टी सेंटर की तरफ है और एक फोर्स सेंटर से दूर है, तो अगर मैं ये बोल दूं कि टी और एम जी कॉस थीटा बराबर हैं तो फिर नेट फोर्स क्या होगी जीरो, तो सेंटर की तरफ कितनी फोर्स है जीरो, भाई सेंटर की फोर्स अगर जीरो है तो फिर सेंट्रीपिटल जीरो है, तो बॉडी सर्कल में कैसे घूम रही है, इसका मतलब यहां पर टी और एम जी कॉस थीटा बराबर नहीं है, मुझे नेट फोर्स कहां चाहिए टूवर्ड सेंटर, क्यों, क्योंकि बॉडी किस में घूम रही है इन सर्कल, और सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कहां एक्ट करती है टूवर्ड्स सेंटर, यहां पर सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है टी और इसके ऑपोजिट कौन है एम जी कॉस थीटा, दोनों बराबर हो नहीं सकते, तो या तो टी बड़ा होगा या एम जी कॉस थीटा बड़ा होगा, चलो एम जी कॉस थीटा बड़ा कर देते हैं, एम जी कॉस थीटा बड़ा है तो नेट फोर्स कहां एक्ट करेगी अवे फ्रॉम सेंटर, घुमा लोगे इसे नहीं, एम जी कॉस थीटा अगर बड़ा हो गया ना तो भार बड़ा हो गया इसका, टेंशन छोटी हो गई तो रस्सी टूट जाएगी और ये बॉब जो है वो इधर की बजाय कहाँ चला जाएगा नीचे, टूट जाएगा या छूट जाएगी रस्सी आपसे, और क्योंकि मैंने कहा ये सर्कल में घूम रहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एम जी कॉस थीटा बड़ा है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स कहाँ चाहिए टूवर्ड सेंटर, और न्यूटन का लॉ क्या कहता है एक फोर्स येरी एक येरी, तो कौन बड़ा टी, तो नेट फोर्स क्या होगी बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, एक राइट है एक लेफ्ट है एक ऊपर एक नीचे है, तो नेट फोर्स कहाँ होगी टी माइनस एम जी कॉस थीटा, और क्योंकि टी बड़ा है एम जी कॉस थीटा से तो नेट फोर्स कहाँ एक्ट करेगी टूवर्ड्स सेंटर,
और जो फोर्स टूवर्ड सेंटर एक्ट करती है वही क्या कहलाती है? सेंट्रिपिटल। तो सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर बाय एल। समझ आया यहाँ तक? तो कैसी कैसे मैंने इक्वेशन निकाली बाहर सर्कुलर मोशन से? तो हमने क्या किया, हमने नेट फोर्स निकाली जो कहाँ एक्ट कर रही है, टूवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या है? टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो ये नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर है और यही एक्ट करेगी बॉब के ऊपर एज अ सेंट्रिपिटल। तो इसलिए इसको इक्वेट कर दिया विद सेंट्रिपिटल। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एम जी कॉस थीटा बड़ा होगा नहीं, अगर होगा तो रस्सी टूट जाएगी। बराबर होगा नहीं, अगर बराबर हो गया टी और एम जी कॉस थीटा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, सेंट्रिपिटल मिलेगी नहीं। पर क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है तो टी को बड़ा होना पड़ेगा, एम जी कॉस थीटा को छोटा होना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलो और केस में लगा के देखें, फिर देखते हैं। चलो नया केस लेते हैं। सपोज करो एक पेंडुलम है और ऑब्वियसली यहाँ से बना हुआ ऐसे, ये मास है एम, तो ये सर्कल का पार्ट होगा जब मूव करेगा। जब ये लोएस्ट पॉइंट पे है तो मान लो इसकी वेलोसिटी है यू, यू ऑब्वियसली सर्कल में तो मूव करेगा ही करेगा। तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पे है ऑब्वियसली टेंशन यहाँ पर क्या होगी? टी। तो आप क्या मुझे इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन बना के दे सकते हो? ट्राई करना। लोएस्ट पॉइंट पर कौन सी फोर्स इसमें सेंट्रिपिटल की तरह काम करेगी? इसमें बनाओ इक्वेशन। देखो कौन सी फोर्स इसमें सेंट्रिपिटल का काम करेगी? तो आपने क्या किया इसमें, इक्वेशन क्या बनाई बताएं? टी माइनस एम जी की एम जी कॉस थीटा की एम जी साइन थीटा, एम जी। ओके, जब लोएस्ट पॉइंट पे है इसकी वेलोसिटी यू है और यहाँ पर वेट कितना है? एम जी, बस एम जी, क्योंकि वेट तो नीचे ऐड करता है, इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे? ये तो ऑलरेडी नीचे है। ठीक है यहाँ तक? तो कंपोनेंट तब बनते हैं जब ये टेढ़ा होता है, तब एम जी कॉस थीटा, एम जी थीटा एंगल है ही नहीं, थीटा है ही जीरो, तो कंपोनेंट कहां से बनाऊंगा? अब क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? टी। और कौन अपोज कर रही है? एमजी। अगर एमजी बड़ा हो गया तो रस्सी यहां से टूट कर नीचे गिर जाएगी, पर रस्सी का टूटने का तो सवाल ही पैदा होता नहीं है क्योंकि वो तो घूम रहे सर्कुलर मोशन में है, और इसलिए टी बड़ा होगा एमजी से। तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस एमजी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इक्वेशन कैसे बनी समझ में आ रहा है यहां तक? तो आप इन इक्वेशंस को याद नहीं कर सकते कि मैं रट्टा मार लूंगा एम जी कॉस थीटा पेपर में लिखूंगा आंसर आ जाएगा, तुम्हें क्या पता क्या आएगा। तो आज हम यही केस डिस्कस करेंगे कि बॉब अगर लोएस्ट पे पॉइंट पे है तो क्या होगा, थीटा एंगल पे है तो क्या होगा, टॉप पे होगा तो क्या होगा, ये डिस्कशन है। टी और एम जी सेम है तो नेट फोर्स जीरो पड़ा रहेगा ऐसे रेस्ट पे, भले मूवी नहीं मूव करने के लिए क्या चाहिए? सेंटीमीटर। सेंट्रिपिटल का एक्ट करेगी सेंटर, तो सेंटर की तरफ फोर्स बड़ी होगी तभी हिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अच्छा चलो एक और एग्जांपल करो। सपोज करो आपके पास ये लो एक बॉडी सर्कल में मूव करवा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देखो कुछ ऐसे मूव करवा रहा हूँ कि सपोज करो एक रस्सी है ये री, और इस स्ट्रिंग में जो मास है वो कितना है? एम। पेंडुलम को पूरा ही घुमा दिया सर्कल में, बात ही कर पेंडुलम रहा ही नहीं, एक रस्सी पकड़ी पत्थर लिया और वर्टिकल में घुमाना शुरू कर दिया। तो आपको आंसर देना है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी एल है, वी एल का मतलब वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। अब ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम 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 सबसे कम, फिर नहीं जीरो जरूरी नहीं है,
जीरो होगी तो नीचे ठाने के नीचे गिरेगा। हाँ, एक बाइक लेके ऊपर मौत के कुएं में चले जाओ, डेथ वेल, बाइक गया, बंदा कहता है चलो ठीक है, पहुंच गया टॉप पे, मोटरसाइकिल बंद, तो टॉप पे मोटरसाइकिल बंद करेगा तो कहाँ गिरेगा? नीचे। अगर चक्कर कंप्लीट करना है तो कुछ तो रेस देनी पड़ेगी, ऐसे कैसे होगा? तो इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं होती अगर पार्टिकल सर्कल में है, क्लियर है? तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? वी एच, वी एच का मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो आपने, आपको मुझे ये बताना है कि अगर इसका रेडियस आर है, ठीक, तो सेंट्रीपिटल की इक्वेशन यहाँ क्या बनेगी और यहाँ क्या बनेगी? यहाँ क्या बनेगी, लोएस्ट पॉइंट पे क्या बनेगी? तो सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लोएस्ट पे क्या बनेगी और सेंट्रीपिटल की इक्वेशन हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बनेगी, ये आपको मुझे बताना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ट्राई करो। रस्सी में क्या आ जाएगी? टेंशन, बनाओ टेंशन। रूल नंबर वन, रस्सी में क्या होगी? टेंशन, ये सेंटर है। टेंशन बताओ चेंज होगी कि नहीं होगी? रस्सी तो एक ही है, होगी कि नहीं होगी? टेंशन सेम रहेगी कि डिफरेंट होगी? सेम रहेगी। ओके, चलो एक काम करो, बाल्टी रखो पानी की भरी हुई यहाँ पे, ठीक है, पकड़ो रस्सी, उठाओ बाल्टी, और रूल ये है वर्टिकल घुमाना है, तो सोचो वर्टिकल कैसे घुमाओगे? ये आपने उठाई, जोर लगाया, ये घूमी, घूमी और घूमी, तो यहाँ आके थोड़ा कम जोर लगेगा, फिर ज़्यादा 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 बहुत ज़ोर लगेगा, सबसे ज़्यादा जोर कहाँ लगेगा? एट लोएस्ट, लोएस्ट ही। बाल्टी नीचे गिरने को तैयार है और मैं खींच रहा हूँ, ऊपर में क्या जोर है? ऊपर तो पहुँचा दिया आपने, अब उससे ऊपर क्या जाएगा? उसके ऊपर तो नीचे गिरना है, उसने नीचे गिरने में ग्रेविटी हेल्प कर देगी, ऊपर जाने में ग्रेविटी कैसे हेल्प करेगी? तो जितना ऊपर ले गए टेंशन उतनी कम, तो टेंशन लगातार चेंज होगी, क्योंकि आप सोचो ना, हाथ पे जोर पड़ रहा है आपके यार, जोर पड़ेगा, ऊपर जाने में जोर ज्यादा है, नीचे आने में जोर कम है, तो हर पॉइंट पर टेंशन विल चेंज। समझ में आया यहाँ तक? फिर आपको कह, रस्सी तो एक है, रस्सी का मास नहीं है, फोर्स में बोलते थे टेंशन तो सेम होती है, सेम क्यों नहीं है? देखो वो रस्सी रुकी हुई होती है, उसमें मोशन कब था? फोर्स के चैप्टर में रस्सियों को चलाते कब थे? इक्विलिब्रियम था सारा कुछ, कुछ करते ही नहीं थे, या ए एक्सेलरेशन थी, उसमें ऐसे अगेंस्ट ग्रेविटी रस्सी नहीं मूव करती, इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, मास जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो टेंशन विल कॉन्टिन्यूसली चेंज। तो बताओ सबसे लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगी? सबसे ज्यादा, फिर यहां पर टेंशन कम 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 कम, और यहां पर टेंशन टी मिनिम, ना ना ना, जीरो कर दी, रस्सी में बल पड़ गया, जीरो का मतलब जोर ही नहीं है, बल पड़ गया, तो आपके सिर पे बाल्टी गिर जाएगी भाई, जोर स्लैक हो गई, फिर रह गया उसमें टेंशन आपके हाथ, फिर तो आप छोड़ दो, रस्सी बल पड़ा हुआ पकड़ के रखा हुई है, तो वैसे ही बल पड़ गए, तो फिर नीचे गिरेगी वो, तो इसलिए टेंशन का होना ज़रूरी है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो अब बनाओ इक्वेशन लोएस्ट और हाईएस्ट की, पहले लोएस्ट की फिर हाईएस्ट की। ठीक है यहाँ तक? तो बनाए इक्वेशन। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट पर शुरू करते हैं। लोएस्ट पॉइंट पर वेट कहाँ ऐड करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पूछना जरा इस मास से, क्या तू सर्कल में घूम रहा है? घूम रहा हूँ। तो फिर तेरे पर कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपेटल। कहाँ ऐड करेगी?
सेंटर, सेंटर कहां पर है? ऊपर। तो कौन सी फोर्स बड़ी, टी की टी मैक्स की एम जी? तो नेट फोर्स बोलो टी मैक्स माइनस, और यही एक्ट करेगी सेंट्रीपेटल, इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, और वी की जगह वी एल, क्योंकि इक्वेशन में वी एल के ऊपर काम हो रहा है लोएस्ट पॉइंट पे, और वेलोसिटी चेंज होती है ना हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। इक्वेशन क्लियर है? अच्छा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेट कहाँ ऐड करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब दोनों मिला के फोर्सेस कहाँ ऐड कर रही है? टूवर्ड्स सेंटर। तो इक्वेशन बोलो टी मैक्स प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, और ये बिलो ओ मिनिमम, सॉरी ओके। तो यहाँ पर टी मैक्स नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पर टी मिनिमम है, ठीक है यहाँ तक? तो इक्वेशन बनानी आ रही है, तो आज के बाद वर्टिकल सर्कल में लोएस्ट पॉइंट पे आ जाए तो भी क्वेश्चन तैयार है, हाईएस्ट पे आ जाए तो भी बन जाएगी। अच्छा, अगर लोएस्ट हाईएस्ट पे ना आए, यहाँ पे आ जाए मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो मैंने क्या रूल बनाया? तो इसमें क्या ड्रॉ करने हैं, इसके किसके? एम जी के। तो मान लो यहाँ पर टेंशन है टी, यहाँ पर पता नहीं क्या टेंशन होगी टी, क्योंकि हर पॉइंट पर टेंशन चेंज हो रही है, तो सपोज टी, तो यहाँ पर ये अगर एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स, एम जी कॉस थीटा और इस तरफ एम जी साइन थीटा। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और जब ये सर्कल में मूव कर रही है तो फोर्स कहाँ ऐड करेगी? टूवर्ड्स सेंटर। कौन सी? सेंट्रिपिटल। बोलो कितनी? टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय, वेयर वी इज द वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, पता नहीं क्या होगी, हर इंस्टेंट पर चेंज होगी, तो यहाँ पर अगर वी वेलोसिटी है तो यहाँ पर वी पुट कर देना है। समझ में आ रहा है इक्वेशन? तो आज के बाद लोएस्ट पॉइंट होगा तो भी हो जाएगा, हाईएस्ट होगा तो भी हो जाएगा, लोएस्ट हाईएस्ट नहीं होगा तो भी क्वेश्चन आ जाएगी, और तो क्या ही करेगा वर्टिकल सर्कल में, तीन तो पॉइंट्स हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जहां मर्जी क्वेश्चन आ जाए हमें कोई डर नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? एक और कॉन्सेप्ट समझो वर्टिकल सर्कल का या वर्टिकल मोशंस का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, फिर से एक वर्टिकल सर्कल लेते हैं। तो जैसे सपोज फिर से एक वर्टिकल सर्कल है, और इस वर्टिकल सर्कल में ये जो रेडियस है ये आर है, आर है, सेंटर है, आर है, राइट। वर्टिकल सर्कल होता क्या है? वर्टिकल सर्कल होता है जब भी बॉडी कहाँ जाती है? अगेंस्ट ग्रेविटी या इन फेवर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ काम करती है, वो वर्टिकल सर्कल है, ठीक है। वर्टिकल सर्कल में टेंशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? चेंज। अगर मैं इसे कंपेयर करूं विद अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, अगर पत्थर हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है तो टेंशन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा ही नहीं रहे, हम हॉरिजॉन्टल घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में हर केस बराबर है, चाहे मास इधर हो, इधर हो, इधर हो या इधर हो, तो टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम, और टेंशन कहां एक्ट करेगी? टूवर्ड्स सेंटर। तो ऐसे केस में अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वी है हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन ही सेंट्रिपेटल है, हॉरिजॉन्टल में टेंशन ही सेंट्रिपिटल है, कोई इक्वेशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल में मूव करेगी सिंपल लगा देना टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, या फिर टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, डिपेंड नहीं कि आपको न्यूमेरिकल में वी गिवन है या ओमेगा गिवन है, वो देख लेना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन चलेगी। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल आ गया तो समझो ईजी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कोई एंगल नहीं बनना, कोई कुछ बनना नहीं है, तो सिंपल टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, कोई डाउट? अगर वर्टिकल सर्कल आ गया, जैसे कि वर्टिकल सर्कल चल रहा है अभी, तो वर्टिकल सर्कल के अंदर, वर्टिकल सर्कल के अंदर देखो क्या बनेगा, वर्टिकल के अंदर अगेंस्ट ग्रेविटी है। आपने शायद ये सुना होगा कभी कि जैसे एक मास एम है, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। या उल्टा मान लो एक मास एम है और हम इसको नीचे गिर रहे हैं, चलो नीचे गिर, ड्रॉप करने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। क्वेश्चन है कि बताओ कितनी वेलोसिटी से ये नीचे ग्राउंड को हिट करेगा, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है? एच है। क्या आप ये क्वेश्चन दो मिनट में कर सकते हो? करना जरा। वी क्या आएगा? वी क्या आएगा?
अंडर रूट ऑफ 2gh आ रहा है, मोशन इन वन डी में क्या करते थे, यू वी अप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी लगा लो इसमें, तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, तो वी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ टू जी एच, ऐसा ही होगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ टू जी एच, ऐसा ही है कि नहीं, याद आ रहा है, ठीक किया मैंने। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मोशन चैप्टर हम जब करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन बनती हैं, कभी एक इक्वेशन, कभी दो, कभी कभी तीन तीन इक्वेशन लगानी पड़ जाती हैं, और स्टूडेंट कभी कभी परेशान भी हो जाता है कि यार कौन सी इक्वेशन लगाएं, कि और कैलकुलेशन भी लंबी होती हैं। इसका एक सब्स्टिट्यूट है, मोशन का ही एक सब्स्टिट्यूट है और क्वेश्चन जो कि आसान कर देगा, जो आने वाला चैप्टर है जिसको वर्क एनर्जी पार बोलते हैं। वर्क एनर्जी पार में अगर सेम क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमने ऐसे नहीं करना, अब से हमने ये नहीं करना। वर्क एनर्जी पार ये कहता है कि जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी या इन फेवर ऑफ ग्रेविटी किसी भी चीज़ को या ऊपर फेंको या नीचे फेंको, तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन सेम। आपने सुना होगा एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। तो एनर्जी दो टाइप की है, पहली पोटेंशियल, दूसरी काइनेटिक। पोटेंशियल काइनेटिक, तो रूल ये है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक किसी भी पॉइंट पे, चाहे मास यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो या यहाँ लो, सेम रहेगी। तो एक बात बताओ, अगर ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसकी, जीरो, और जब ये हिट करेगी वी वेलोसिटी के साथ तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसी है, ऐसी होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एम जी एच, और काइनेटिक क्या है, जीरो, ऐसे ही है। और एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि सम ऑफ एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल टॉप और बॉटम पे सेम रहेगी, इक्वेट करो, तो इक्वेट करेंगे तो एम जी एच इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो वी स्ट्रेट अवे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ, खत्म। तो वर्क एनर्जी पार आपके मोशन की प्रॉब्लम को ही इलिमिनेट कर देगा। वो कहता है मोशन यूज ही नहीं करना, बस किसी भी दो पॉइंट पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम क्या कर देना है, इक्वल आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या कॉन्सेप्ट लग सकते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार चैप्टर तो अगला है, करवा भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी किस में जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी, और हो सकता है मेरे को किसी क्वेश्चन में, जैसे इसी क्वेश्चन में जो मैं पूछने वाला था, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको वेलोसिटी मैं यहाँ पे दे दूँ कि मान लो यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है मान लो, और रेडियस दे दूँ 1 मीटर का, 1 मीटर का रेडियस है, और आपसे ये पूछ लूँ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर बोलो वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मोशन कैसे लगेगी बताओ, मोशन तो हमने वन डी में की है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो तब लगता है जब बॉडी यहाँ ऊपर जा रही हो या इधर जा रही हो, ये तो गोली घूम गई, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है या इधर है, तो यहाँ पर तो मोशन लगाना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम क्या रहेगा, सेम। तो ये लोएस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और हाईएस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ये क्या रहेगा, सेम। और ये कब सेम रखना होता है, अगर बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर या नीचे जा रही है, कैसे भी जाए, सर्कल में जाए, टेढ़ी मेढ़ी जाए, जैसे मर्जी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने दो पॉइंट लेने हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ले लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, जब आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं लोएस्ट पॉइंट पर, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ग्राउंड, कि ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है, तभी तो एच एम जी एच लगाओगे। एच कहाँ से लेते हो, ग्राउंड से। ग्राउंड कहाँ पर है, आप यहाँ बैठे हो, आप कहते हो ये जी फर्श ये रहा, यहाँ से लो,
और नीचे वाले से पूछा ग्राउंड फ्लोर वाले से, भैया तुम्हारे लिए फर्श क्या होगा, तो नीचे है जी, क्या बात कर रहे हो, ऊपर कहाँ से फर्श हो गए, ग्राउंड तो नीचे है, तो मेरा तो ग्राउंड नीचे है, तो वहां से हाइट लो। कोई एक बेंच चेयर डाल के यहाँ बैठ गया, वो कहता मेरा तो ग्राउंड यही है जी। किसने यहाँ पर स्लैब डाल ली, वो कहता मेरा ग्राउंड यही है, मैं यहीं रहता हूँ। कोई कहता नहीं नहीं ये ग्राउंड है, कोई उसको अर्थ को खोद के बैठ गया 10-15 मीटर नीचे, कहता ये ग्राउंड है मेरा। अब ग्राउंड का फैसला कौन करेगा, प्रॉब्लम है, घर का ग्राउंड अपना है। चलो मेरा भी सुन लो, मेरा ग्राउंड ये है, ये अब तुम जो हर का अपना बना रहा हूँ, तो मेरा ये ग्राउंड है, तो मैंने भी कहा चल मेरा ये ग्राउंड है, मैं तो यहीं बैठ जाऊँगा, तो मेरा ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से बोलो इसकी हाइट क्या है, ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू टेन का स्क्वायर। अब हाइएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी इंटू, ये टोटल हाइट कितनी है, 1+1 2, क्योंकि मेरा ग्राउंड ये है। और काइनेटिक कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। अब ग्राउंड कोई चेंज भी कर सकता है, उसका आंसर भी देता हूं कि ये ग्राउंड मैंने ऐसा क्यों लिया। तो टोटल एनर्जी जो बॉटम पे है वो 0+ ½ × m × 10 का स्क्वायर है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर m × g × h+ ½ × m × v का स्क्वायर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो यहां से m m m क्या हो गया, कैंसल, g की वैल्यू कितनी है इसमें 10, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वी। तो क्या आसानी से वी निकाल दिया, इसको सॉल्व करो वी आ गया, कुछ भी नहीं किया, कोई मोशन की इक्वेशन नहीं, कोई फोर्स की इक्वेशन नहीं, बस सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल को इक्वल किया, आंसर है कि नहीं सही तरीका एनर्जी से वेलोसिटी निकालने का, मोशन का चैप्टर ही उड़ा दिया। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है? अब मैं आपको आंसर देता हूँ कि मैंने ग्राउंड की सिलेक्शन ये क्यों की, ठीक है, कि ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। देखो अब मैं आंसर देता हूं कि ये ग्राउंड मैंने ऐसा क्यों लिया, ये देखो, ये लो, तो यहां पे वेलोसिटी क्या थी, 10 m/s, ठीक है। कोई स्टूडेंट कहता है यार मुझे पसंद नहीं आया आपने ग्राउंड ये लिया, थोड़ी चलाकी दिखाई क्योंकि पोटेंशियल जी जीरो हो जाए, मेरा ग्राउंड ये नहीं है, वो कहता है मेरा जो ग्राउंड है ना वो ये है, कुछ भी ले लो ये ग्राउंड है। चल मैंने कहा तेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ले सॉल्व करते हैं। कैसे, मैंने कहा बता इसकी हाइट क्या है, ये कहता है मेरी हाइट यहाँ से h है, हाइट तो देनी पड़ेगी। चल मैंने कहा फिर से कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम, करें स्टार्ट। लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो आप कितनी है, एम जी इंटू जीरो नहीं है, एम जी इंटू एच, सही है। काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू टेन का, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, एम जी इंटू टू आर, एम जी इंटू टू तो है ही है, एक्स्ट्रा में क्या हो गया, एम जी इंटू एच, एम जी इंटू टू तो है ही है, एम जी इंटू एच भी है, क्या पॉइंट क्लियर है, एम जी एच ऐड करना पड़ेगा इसमें एक्स्ट्रा, और काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप ये बताओ कि जब आप इसे और इसे इक्वेट करोगे तो एम जी एच से एम जी एच क्या हो गया, ले लो जहाँ ग्राउंड लेना है। तो जहाँ भी आप ग्राउंड लोगे, तो अगर आप नीचे ग्राउंड लेते हो तो नीचे लेने से एम जी एच अगर इसमें एडिशन हो रहा है तो एम जी एच का एडिशन इसमें भी हो रहा है, तो उसका अफेक्ट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कैंसल। तो आप ग्राउंड जहाँ मर्जी लो, तो मेरे हिसाब से एम जी एच लेके एम जी एच को कैंसिल करने से अच्छा ग्राउंड ही बॉटम पे ले लो, एम जी एच का चक्कर ही खत्म है, आंसर तो वही आएगा। समझ में आ रहा है मैंने ग्राउंड यहाँ क्यों लिया, ताकि एम जी एच दो बार लेने से कैंसिल करने से बेटर है, उसको लो ही मत। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है? तो जब भी वर्टिकल सर्कल आएगा तो वर्टिकल सर्कल में आप इस तरीके से अपनी वेलोसिटी को निकाल सकते हो, क्योंकि जब आप इक्वेट करोगे आपको एक वेलोसिटी गिवन होगी और दूसरी निकालनी होगी, दूसरी कैन इजली भी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर।